देखो गल ये वे मलिक साहब के मियां नवाज शरीफ बार बार ये गल कर रहे ने कि मेरे सबूत एक रुपये की भी करप्शन सामने लैके आओ। जदों अदालत केस जाता है अदालत कहती है जी करप्शन साबित नहीं, लेकिन मुबैना तौर पर सानू उत्तों आर्डर है, फैसला किधरों लही के आया है, ते असी तो असी 7 साल की या 10 साल की सजा देनी। करप्शन नहीं सानू किधरे नज़र आई, मुबजना तौर पर असी जो तो सजा देनी है। ये मुबजना तौर पर भी कभी सजा हुई है सर दुनिया के किसी मुल्क? चट्ठा साहब, यह नया बड़ी देर का खत्म कर देना चाहिए सी। सियासी इंतकाम ले इस्तेमाल होंदा रहा है, हुण भी हो रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कोई मुल्क की कोई नेकनामी ये हो रही। बस पैसे पूसे तो पता नहीं इन्हें इकट्ठे कर रहे या कि सिर्फ हथ मरोड़न सियासतदानों ब्लैकमेल करने लिए, उन्होंने नेम एंड शेम करने लिए। हम तुम देखो ना, तुम ये सब तो आसान है काम कि यार तेरा जरा रहन सी ना तेरी आमदन ना मुताबक नहीं रखता, ते आ जा। जी कोई कम है इतने, तो पाकिस्तान च कोई बंदा भी नहीं रहेगा। यह तो जी तुम बिल्कुल घर नहीं, तुम किसी एस पी के घर च जाओ ना, जरा किसी जी DIG के घर च जाओ, किसी ब्यूरोक्रेट के घर च जाओ, किसी भी जरनैल के घर च जाओ, रिटायर दे किसी के घर च चल जाओ, तो उन्होंने पूछो जरा कि भी है तेरी इनकम आमदनी का जरिया दस ना, जरा किसी पुराने जज के घर ही चल जाओ। ये तो किसी की भी मुताबकत आमदनी के हिसाब न सासे जेडे लभण गए नहीं। तो यह एक ऐसा ट्रक की बत्ती है जिदे पिछे बंदा कितने भी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं कहना तुसी अगर पूरी दुनिया च कानून है कि अगर किसी ने करप्शन की है तो इस्तखासा उदे ते दायर करके प्रूव करता है कि जी ने यह माल बनाया है, इस यस खजाने च मिसअप्रोप्रिएशन या गबन किया, इतों पैसे बनाए, ए केस है, ए गुआव है, इसलिए असि इत उल्टा केस पाई जाते जी असासे आमदन नाल नहीं रखते। तो असासे जेडे हुकूमत है उन्होंने आमदन नाल मुताबक रख दे, उन्होंने भी तो एडिया एडिया महल बनाए जिन्होंने गवर्नमेंट दड़क जन सड़क जा जागीर तो वह कितों आ गए पैसे। तो वो सारा ये टोपी ड्रम है। मेरा ख्याल है कि नैब नूब का जोड़ा काम है वह खत्म करना चाहिए है। बरतानिया के गार्डियन स्कैंडल आया कि MP स्कैंडल एक्सपेंस स्कैंडल, जी उन्होंने पार्लीमान एक विजिलेंस अफसर 25 MP फारग करते कि जी तुम जेडे अपना ना डिसबर्समेंट जेडे क्लेम किए TADA क्लेम नहीं जेड़ा किया, जी गलत किया है, ए तुसी गलत काम किया, 25 बंदे फारग किए उन्होंने। यस सो यस तुहानू यस नैब नूब नहीं चाहिए, तुसी पार्लीमान का काम है। जो तुसी जज जनरल नू हाथ नहीं ला सकते, तुसी MNA MPA नू किदां हाथ ला सकते? वो स्पीकर दे थले एक कमेटी बननी चाहिए हाउस की, ओदे च जाए शिकायत, वो शिकायत का नितारा कढ़न, अगर वो शिकायत बन जाए तो उस यस बंदे नू कहन के भी तेरे खिलाफ केस असी दे रहे मकामी पुलिस नू, अगर यस केस ना बने तो उन्हें उथे ही उड़ा देना, उन्हें कहना जो जिदा जज जरनैल का नहीं ना होंगे कोई भी या इस्तखासा, बिल्कुल जी उदा बिल्कुल ही स्पीकर की कमेटी कहे कि नस जो, ये कोई केस नहीं बनता, शिकायत जाननी है नस जो, ते जे बनती हो तो उन्होंने बंदे कह के भी तेरे खिलाफ केस बनता है, असं यह मामला लोकल पुलिस नू देन लगे, अगर तू हुण इस्तीफा देना चाहना तो तेरी मर्जी है, अदरवाइज जरा 6 महीने च केस फारग हो जाएगा, ताकि वह बंदे के सतलवार लटकती ना रहे सारी उम्र, नाले इंतकामी कार्रवाई वाला जो अंसर है वह दूर हो जाए। जे तुसी सिटिंग जज और जरनैल के खिलाफ नैब नहीं देख सकती, तो नैब का कोई काम नहीं कि वह एक MPA MNA MNA सैनेटर के खिलाफ कोई खासा देखे, क्योंकि टैक्निकली जे तुसी अद्धी जी रियासती मशीनरी है उन्होंने हाथ नहीं ला सकते, तो नैब की सिर्फ MPA MNA ते ब्यूरोक्रेसी लिए रह गई, पैसे सारे तो वह खाते हैं। यस बजट चेक कर लो केड़ा पैसे लैके जाता, देखो जमीना जायदाद कि मिल दी, जिन्होंने मिल दी उन्होंने भी तो बेच लियाओ ना, ठेकियां च पैसे कि मिलते, पुरजियां च पैसे कि मिलते, जहाजा च पैसे कि मिलते, स्विट्जरलैंड च अकाउंट अकूंट चेक करो इधर उधरों कि किन्हां दे पैसे है उत्थे, फिर को गल करो। जो तुसी अद्धा जिहड़ा वो पूरा डिसेबल नैब का प्रोसैस करना, वो अद्धिया नूं हाथ ही नहीं पा सकते, ते अद्धिया नूं तुसी जिहड़ा सुबह शाम जिहड़ा वो दरख्त नाल लटकाई रखते कि जी लिया कढ़ पैसे कढ़, इदा नहीं होंदा। और मेरा नहीं ख्याल कि चलना सिस्टम ना इदा नहीं चलता। और नैब का जिहड़ा या तो ये मेन स्ट्रीम सारिआं नूं नैब देखेगी कि जी 6 महीने च इस्तखासा आए, किसी का भी शिकायत करो, जज जरनैल सियासतदान ब्यूरोक्रेसी 6 महीने च उहदी इनकुआयरी भुगता के यस या नो करके अगे चले, तो सारे भावें उहदा कोर्ट मार्शल ही कराओ, लेकिन नैब ही होए, नैब दसे कि 6 महीने कोर्ट मार्शल करके जवाब दिओ, 6 महीने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जज के खिलाफ कार्रवाई करके जवाब दिओ, या तो इदा करो, नहीं तो कला नहीं तुसी कर सकते सियासतदानों के खिलाफ। ये कोई मजाक है कि तुसी कला सियासतदानों को घेर लो जिहड़ा 1.5 करोड़
ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਤੋਂ 101,16,000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਣੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਈ ਜ਼ਰਾ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੈਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? 1,000,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮਦਨ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਓ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।